सो बूम गाइस, एज यू कैन सी विदाउट वीपीएन पबजी मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन 1.3.0 स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार पर यहां पर कोई भी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने अभी तक पबजी मोबाइल को अपडेट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से अपडेट करो। काफी सारी न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें ऐड हुई हैं। खुद भी अपडेट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि पबजी मोबाइल विदाउट वीपीएन भी चल सकता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक, ये ले। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है वाईटेक गेमर चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन 1.3 के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पबजी मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि पबजी मोबाइल के वर्जन 1.3 को अपडेट कर सकते हैं और कैसे आप इसको विदाउट वीपीएन खेल सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको पबजी मोबाइल 1.3 की लिंक मिल जाएगी और ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है। ये विदाउट वीपीएन काम करती है। नॉर्मली आप डाउनलोड करेंगे कहीं और से तो वो बिना वीपीएन के काम नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पबजी मोबाइल 1.3 का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको पबजी मोबाइल 1.3 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। करीब 900 MB की ये एप्लीकेशन है तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना होगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, UFO वीपीएन। आई नो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो विदाउट वीपीएन बोला था, तो अभी मैं वीपीएन डाउनलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूं? तो इसका एक रीजन है भाई, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो को एंड तक देखना। मैं विदाउट वीपीएन इसको चला के दिखाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक कर देना बिल्कुल, और सिर्फ अपने मोबाइल से ही नहीं, घर में जितने भी मोबाइल हो सभी से डिसलाइक मार देना भाई। पर अभी के लिए आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को पूरा देखो और एक बार इस ट्रिक को अप्लाई करना, अगर नहीं होता है तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना। UFO VPN इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद इसकी कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे, इसको आपको लेफ्ट साइड में कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड विद बेसिक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड विद बेसिक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको स्मार्ट लोकेशंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एक स्पीड टेस्ट होगा, तो जिस भी सर्वर पर सबसे कम पिंग आ रही हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी के लिए सिंगापुर 2 पर सबसे कम पिंग आ रही है 104 की, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं वापस और पबजी मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। तो पबजी मोबाइल को हमने ओपन कर लिया है, जो भी परमिशन मांग रहे हो इसको आपको अलाउ कर देना है। तो जब तक गेम स्टार्ट होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने वीपीएन लगाने के लिए क्यों कहा था। हालांकि आप विदाउट वीपीएन भी यूज कर सकते हो, नो डाउट आराम से चलेगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी इन गेम कोई अपडेट आती है तो वो विदाउट वीपीएन डिटेक्ट नहीं हो पाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पबजी मोबाइल अभी इंडिया में बैन है, तो काफ़ी सारे नेटवर्क्स पर ये नहीं चलता है। जैसे जियो का नेटवर्क है तो मेरा जियो का सिम है, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हालांकि एयरटेल में ये नॉर्मली चल जाएगा। जो मैंने आपको वीपीएन वाला प्रोसेस बताया है इसको आपको बस एक ही बार ट्राई करना है, जिससे एप्लीकेशन में जो भी अपडेट आई हो वो डिटेक्ट हो सके। जैसा आप देख सकते हैं 9 MB की एक अपडेट आई है, तो चलिए हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है। तो गेम को रीस्टार्ट कर लिया है हमने और इन गेम जो भी अपडेट आई थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं।
तो अभी हम चलते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम VPN लगाकर इसको लॉगिन करेंगे, इसके बाद हम VPN को डिसकनेक्ट कर देंगे और विदाउट VPN इसको यूज़ करेंगे। PUBG मोबाइल का प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है, तो अभी आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन मेथड सेलेक्ट कर लेना है। लॉगिन मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, 1 से 2 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है। तो अभी फर्स्ट टाइम हमने VPN के थ्रू लॉगिन कर लिया है, अभी हम VPN को डिसकनेक्ट कर देते हैं और विदाउट VPN इसको यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं VPN हमने डिसकनेक्ट कर दिया है, अभी हम इसको विदाउट VPN यूज करने वाले हैं। तो बूम गाइस, एज यू कैन सी विदाउट VPN PUBG मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन 1.3.0 स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार पर यहां पर कोई भी VPN कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने अभी तक PUBG मोबाइल को अपडेट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से अपडेट करो, काफी सारी न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें ऐड हुई हैं। खुद भी अपडेट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि PUBG मोबाइल विदाउट VPN भी चल सकता है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।